नमो नमः। भवताम अस्याम कारक कक्षायाम पुनः स्वागतम। इस कक्षा में हम इस प्रकरण में द्वितीय विभक्ति के शेष सूत्रों के अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। इसमें प्रथम सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्मा कर्मणा मणिकर्ता सणौ। इसमें कुछ श्रेणियां, पांच श्रेणियां बनाई हैं क्रियाओं की, कि गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक, शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं के प्रयोग में, यानी जब ये धातुएं अन्यंतावस्था या सामान्य अवस्था में हों, तब उनके प्रयोग में जो करता है वह न्यंतावस्था में यानी निच प्रत्यय के प्रयोग करते समय वह कर्म हो जाएगा, यानी कर्ता कर्म की अवस्था में बदल जाएगा। तो इन धातुओं का सामान्य जो अवस्था है वह हम समझते हैं, जैसे गच्छति, वेत्ति इत्यादि। तो न्यंतावस्था में जो इनका कर्ता है वह कर्म हो जाएगा। इसमें हम सिद्धांत कौमुदी के ही कुछ वाक्यों का प्रयोग करते हैं और उनको जानने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण के लिए अन्यंतावस्था में गत्यर्थक धातु का उदाहरण है शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्। बिल्कुल सामान्य वाक्य है कि शत्रु स्वर्ग गए। अब भगवान विष्णु ने उनको स्वर्ग भेजा, ऐसी अवस्था में जो शत्रुवः करता है वह कर्म हो गया, तो हरि ही शत्रुन स्वर्गम अगमयत, ऐसा प्रयोग हो गया। इसी प्रकार से शत्रुन अगमयत स्वर्गम के साथ साथ स्वे वेदार्थम अविदुहु, ये बुद्ध्यर्थक वाक्य है, इसका न्यंत प्रयोग होगा वेदार्थम स्वान अवेदयत। देवा अमृतम आश्नन, ये प्रत्यवसानार्थक आश्नन यानी सेवन किया, तो ये जो खाया खाना पीना आदि, ये प्रत्यवसानार्थक धातुएं हम कहते हैं इनको। तो देवा अमृतम आश्नन, तो यहाँ पर न्यंतावस्था में आशयत चामृतम देवान, ये देवा जो करता था वो कर्म हो गया। विधिर वेदम अध्ययत, ब्रह्मा जी ने वेद का अध्ययन किया परंतु हरि ने उनको वेद पढ़ाया, इसलिए वेदम अध्यापयत विधिम, यहाँ पर वो कर्ता हो गया। पृथ्वी सलिले आस्त, पृथ्वी जल पर स्थित थी, ऐसा पृथ्वी को जल पर स्थित किया, तो सलिले पृथ्वीम आसयत, इस प्रकार का प्रयोग। अब हम इन धातुओं के अतिरिक्त कुछ और वार्तिक हैं जो इन गति बुद्धि आदि में न्यंतावस्था और अन्यंतावस्था के संदर्भ में ही हैं। कुछ यहाँ पर प्राप्त थे तो उनका निषेध करेंगे, कुछ प्राप्त नहीं थे उनकी प्राप्ति करवाएंगे। तो निवह्योर न, यहाँ पर नि और वह गत्यर्थक धातुएं हैं, उनके प्रयोग में ये जो ण्यंत प्रत्यय का जो प्रयोग होगा उसमें उसके प्रयोग के साथ इन धातुओं की कर्म संज्ञा नहीं होगी जो पिछले सूत्र से प्राप्त थी, यथा नायति वाहयति भारम भृत्येन। पिछले सूत्र के अनुसार ये भृत्येन भृत्यम होना था, किंतु इसकी कर्म संज्ञा नहीं हुई। कर्म संज्ञा न होने से कर्तृ संज्ञा क्षुण्ण रही, किंतु वहाँ पर कर्तृकर्णयोस् तृतीया से उस कर्ता में तृतीया हो गई, क्योंकि वो अनुक्त कर्ता हो गया। परंतु ये जो निषेध लगा निवयोन, ये वह के संदर्भ में एक बात कही गई कि नियंत्रिकर्तृकस्य वहेर अनिषेध, यदि उस कर्ता जो वह धातु है उसका कर्ता नियंता हो, यानी नियम उसको रथ को चलाने वाला हो जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पर ये निषेध जो निवयोन है उससे लगा है वो नहीं लगेगा। जैसे वाहयति रथम वाहन, अब वाहन शब्द है तो सूतः, यहाँ पर अगर निवह्योर न की बात हम मानते, उस वार्तिक को स्वीकार करते, तो वहाँ पर वाही ही ऐसा प्रयोग हो जाता, वाहाह रथम वहन्ति, ये इसका मूल वाक्य है जो अन्यंतावस्था में है। इसी प्रकार से हम अगर आगे बढ़ें तो आदि खाद्योर न, हमने देखा था प्रत्यवसानार्थक धातुओं के प्रयोग में आदि और खादि, यहाँ पर प्रत्यवसानार्थक धातु हैं, आदि खादि न्यंतावस्था है, आदयति खादयति, तो उनके प्रयोग में ये जो आपने कहा प्रत्यवसानार्थक में धातुओं के प्रयोग में कर्ता की कर्म संज्ञा हो जाएगी, यहाँ पर उनकी कर्म संज्ञा नहीं, इस वार्तिक से उनका निषेध हो जाएगा न्यंतावस्था में, तो वो स्थिति रहेगी जैसे आदयति खादयति वा अन्नम बटुना, यहाँ बटुना प्रयोग हो गया क्योंकि वहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं रही। भक्षे अहिंसार्थस्य
न। भक्ष धातु अगर अहिंसार्थक होगी तो उसका प्रयोग में ये जो प्रत्यवसानार्थक धातु की आपने चर्चा की है, तो आदि खाद्योर न से आपने निषेध किया, परंतु भक्षेर अहिंसार्थस्य जो भक्ष धातु है यदि अहिंसार्थक होगी तो गत्यर्थक सूत्र से जो प्राप्त संज्ञा है इस वार्तिक से वो कर्म संज्ञा वहाँ पर नहीं होगी। उदाहरण है यथा भक्षयत्यन्नम बटुना, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम, ये सूत्र में तो जलपति आदि की कोई चर्चा नहीं है, किंतु इस वार्तिक के द्वारा इसके द्वारा जलपति प्रभृति धातुएं जो हैं उनकी कर्म संज्ञा की प्राप्ति नियंतावस्था में करवाई है। जैसे जलपयति भाषयति वा धर्मम पुत्रः, अब यहाँ पुत्रः जो प्रयोग है वो करता है, जलपयति भाषयति वा धर्मम पुत्रः, तो धर्मम यहाँ पर कर्म है और वो कर्म संज्ञा यहाँ पर इस वार्तिक के बल से हुई है। जलपयति पुत्रम ऐसा प्रयोग हमको करना है, अण्यंतावस्था में प्रथमा विभक्ति उसमें कर्ता के रूप में अण्यंतावस्था में थी, ण्यंतावस्था में उसकी कर्म संज्ञा हो गई, पुत्रम ऐसा रूप रहेगा। इसी प्रकार से शब्दायतेर्न इस वार्तिक का भी, क्योंकि शब्दायते ये णिच प्रत्यय का प्रयोग क्यंग प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद शब्द धातु अकर्मक हो गई, किंतु यहाँ शब्दायते के प्रयोग में यहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं होगी। इसी प्रकार से हरिक्रोर अन्यतरस्याम सूत्र से हरि और क्री धातु में ण्यंतावस्था में जो कर्म संज्ञा की प्राप्ति इस सूत्र में विकल्प से प्राप्त कराई गई है, जैसे हारयति कारयति वा कटम भृत्येन या भृत्यम, यदि कर्म संज्ञा होगी तो भृत्यम, यदि कर्म संज्ञा नहीं होगी तो भृत्येन, विकल्प है। इसी प्रकार से अधिशिंग स्थासाम कुछ आधार की आधार जो है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है और अधिकरण में सप्तमी है, किंतु कुछ धातुओं में अधिकरण में आधार है उसमें उसकी कर्म संज्ञा होती है, आधार की अधिकरण संज्ञा नहीं होती है। जैसे अधिशिंग स्थासाम कर्म, अधि पूर्वक शी स्था आस धातुओं के कर्म की आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है, जैसे अध्यास्ते वैकुंठम हरि, अधिशेते वैकुंठम हरि, यहाँ पर वैकुंठम, यहाँ पर वैकुंठ जो है आधार था किंतु उसकी कर्म संज्ञा होने से कर्म में द्वितीय हो गई। इसी प्रकार से अभिनिवेशश्च, अभिनिवेश के आधार की भी कर्म संज्ञा हो गई, जैसे अभिनिवेशते सन्मार्गम, यहाँ आधार में अधिकरण होना अधिकरण में सप्तमी होती है किंतु यहाँ आधार की अधिकरण संज्ञा ही नहीं हुई। उपानवध्यांग वसह उप अनु अधि उपसर्ग और अनु उपसर्ग पूर्वक वस धातु का भी जो आधार है उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार से इसके बाद हम उपपद विभक्तियों को थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करेंगे। उपपद विभक्तियां पदम आश्रित्य जायमाना विभक्ति ही उपपद विभक्ति ही, तो इसके विषय में एक कारिका बहुत प्रसिद्ध है और वो कार्य उभ सर्व तसोह कार्य, तस प्रत्यय पूर्वक उभ का उभयतः और धिक द्वितीया के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, ऊपरी आदि ऊपरी अधि और अधस इन शब्दों के प्रयोग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रयोग हैं जहाँ पर उपपद के आधार पर अभितः परितः समया निकषा हा इनके प्रयोग में भी द्वितीय होती है। इसके अतिरिक्त अंतरांतरेण युक्तम अंतरा अंतरेण के योग में भी द्वितीय होती है। इसी प्रकार से कर्म प्रवचनीय भी का भी प्रकरण आता है, उन कर्म प्रवचनीयों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, अनुर्लक्षणे तृतीयार्थे हीने उपोधिके च, और इसी प्रकार से अन्य कर्म क्रिया कर्म प्रवचनीयों के योग में भी हम देखते हैं द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सामान्य रूप से इतना जानने के बाद मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा, कारक प्रकरण के प्रवेश में आपको सुविधा होगी। नमस्काराः, धन्यवादाः।